दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा दिल्ली के न्यू वेज रेट के बारे में। तो दिल्ली के न्यू वेज रेट के यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखो, तो लेबर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का जो न्यू वेज रेट है यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आए, एक आपकी अप्रैल की और एक आपकी अक्टूबर की। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना आपकी यहाँ पे इंक्रीज हुआ आपकी सैलरी में, आपकी स्किल पे हो, अनस्किल पे हो या तो सेमी स्किल पे हो, सब पूरे डिटेल्स पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अगर सेम पेज पर अगर आना है तो आपको यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अप्रैल की, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो एक अप्रैल के यहाँ पे वेज रेट आपके जो बढ़ाया गया है, तो मिनिमम वेज यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बार नोटिफिकेशन पे आपको मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 26/9 पे यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आऊँगा, तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, जो अनस्किल है, अनस्किल का पहले कितना था आपकी 17,494 रुपीज़ यहाँ पर मंथ की था। तो अभी की यहाँ पे जो आपकी अप्रैल 2024 में यहाँ पे देख सकते हो आपकी कितना इंक्रीज हुआ, आपकी अनस्किल पे हुआ आपकी 494, आपकी लगभग 500 रुपये की यहाँ पे इंक्रीज हुआ है सैलरी। अब उसके बाद आपके जब ऐड हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हो पर मंथ आपकी बन जाता है 17,988, लगभग आपकी 18,000 के आसपास आपकी यहाँ पर मंथ आपकी बन जाता है। और पर डे के हिसाब से आपकी 692 यहाँ पे देख सकते हो पर डे के हिसाब से बन जाता है। और आपकी सेमी स्किल पे, सेमी स्किल के लिए पहले था आपकी 19,279 रुपीज़, देन आपकी इंक्रीज होने के बाद आपकी इतना रुपीज़ पर मंथ इंक्रीज हुआ कितना, आपकी 546। और जब आपकी दोनों ओवर न्यू और आपकी जो ओल्ड वाला जब ऐड हो जाता तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी 19,825 रुपीज़ यहाँ पे बन जाता है आपके पर डे के हिसाब से, 763 की यहाँ पे पर डे के हिसाब से आपको मिलता है। और स्केल्ड वाले पे आपको देख सकते हो आपकी 21,000 आपकी 200 आपकी 15 रुपीज़ यहाँ पे पहले था इंक्रीज, आपकी देख सकते हो 598 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे टोटल जो बन रहा है यहाँ पे 21,813 यहाँ पे जो स्किल्ड वाले के लिए। तो पर डे के हिसाब यहाँ पे देख सकते हो आपकी 839 की यहाँ पे इनका पर डे के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। तो आपके यहाँ पे जो रेट है आपकी देख सकते हो अप्रैल 2024 की रेट है यहाँ पे। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ इशू की वजह से अभी तक यहाँ पे रिलीज़ नहीं कर किया गया था, पर अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट की आपकी ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन कर दिया गया। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो आपके सेम पोर्टल पे आके भी आप चेक कर सकते हो, आपकी लेबर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो आप सेम पेज पे आके यहाँ पे नोटिफिकेशन आप चेक कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल से आपके सेम वेज रेट आपके यहाँ पे चालू हो जाता है। देन अपना जो दूसरा जो नोटिफिकेशन, दूसरे नोटिफिकेशन के लिए बता दूँ आपकी अक्टूबर के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर की आपके कितना आपकी इंक्रीज हुआ है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अक्टूबर के लिए जैसे नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पे डाउनलोड्स की आपके ऑप्शन आ रहा है। तो अक्टूबर 10 आप देख सकते हो, तो 1 अक्टूबर से जो लागू हुआ है आपकी जो मिनिमम वेज, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जैसे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दूसरा अपना जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम डेट पे दोनों ही आपके पास हुआ है आपकी 26/9/2024। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, देन अपना अनस्किल्ड वाले पे यहाँ पे देख सकते हो आपकी अनस्किल्ड का आपकी जो अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। देन अपने जो अक्टूबर में जो आपको जितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे देख सकते हो 78 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, आपकी टोटल बन जाता है आपकी 18,066 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, आपकी 695 हो जाता है। और सेमी स्किल वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हो आपकी अप्रैल की जो मिनिमम वेज बढ़ने के बाद यहाँ पे ऐड हो, यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है आपकी 19,825 रुपीज़। और आपकी जो इंक्रीज हुआ है आपकी 104 एड, दोनों ऐड होने के बाद यहाँ पे 19,929 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो 767। और स्किल वालों के लिए यहाँ पे 21,813 रुपीज़ और इंक्रीज जो हुआ है, इंक्रीज यहाँ पे देख सकते हो आपकी 104 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है आपकी बड़ा है। और ऐड होने के बाद आपकी टोटल जो अभी नेट अभी के टाइम के जो बेसिक होगा आपकी वेज होगा यहाँ पे देख सकते हो 21,917 रुपीज़ और आपकी जो डेली पर डे के हिसाब से आपकी 843 रुपीज़ पर डे। देन ये आपकी जो न्यू वेज है, न्यू वेज आपके अक्टूबर से लागू होगा। तो अक्टूबर की आपकी जो मिनिमम वेज होगा, मिनिमम वेज आपकी जो अनस्किल्ड वाले यहाँ पे देख सकते हो 18,066 रुपीज़। सेमी स्किल वालों के लिए जो बेसिक होगा यहाँ पे देख सकते हो 19,929 रुपीज़ पर डे के हिसाब से भी आप साथ में देख सकते हो। और स्किल्ड वालों के लिए आपकी 21,917 रुपीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है इसका नोटिफिकेशन, तो सेम आपकी साइट पे आके यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। तो बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे आके भी पढ़ सकते हो, बाकी अगर इनमें से कोई भी देख सकते हो। नॉन मेट्रिकल के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो, आपकी यहाँ पे 90,825 रुपीज़ यहाँ पे भी इनका इंक्रेज हुआ 104। आपकी जो न्यू रेट है, न्यू रेट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो इतना बन जाता है, पर डे के हिसाब से इतना मिल जाता है आपके मैट्रिक बट नॉट ग्रेजुएट। आप वहाँ पे देख सकते हो 21,000 आपके 813 रुपीज़ यहाँ पे सेम इंक्रेज हुआ आपकी 104 यहाँ पे पर डे के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएटेड एंड अबव के लिए यहाँ पे 23,732 104 यहाँ पे न्यू रेट यहाँ पे देख सकते हो, और पर डे के हिसाब भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप भी दिल्ली गवर्नमेंट की किसी भी सेक्टर पर आप काम करते हो थर्ड पार्टी के थ्रू, या तो किसी भी दिल्ली के अंदर दिल्ली की मिनिमम वेज पर आप काम करते हो, तो आपकी जो न्यू वेज रेट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर इसकी अनस्किल्ड हो, अनस्किल्ड के यहाँ पे देख सकते हो, आपकी सेमी स्किल्ड आप चेक करना चाहते हो सेमी स्किल्ड का भी चेक कर सकते हो, और स्किल्ड का आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने शो रहा है। तो अगर आपको अपना स्किल में हो या तो सेमी स्किल्ड पे हो, अगर स्किल्ड पे हो तो आपको नहीं पता कि आप कौन से स्किल में आते हो, तो आप अपना सैलरी स्लिप पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी बेसिक कितना है, आपको पता चल जाएगा आप किस कैटेगरी में आप आते हो, अनस्किल्ड पे, सेमी स्किल्ड पे या तो स्किल्ड पे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।